अपराधियों को छुड़वाना हमारी मजबूरी है, अपराधियों को हौसला देने वाला यह बयान दिया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने। उनका कहना है कि राजनेताओं को अक्सर अपराधियों को अपने रसूख से छुड़वाना पड़ता है। राजनीति में कहा जाता है कि राजनेताओं और अपराधियों का चोली दामन का साथ होता है। इस बात को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान ने सच कर दिखाया। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अक्सर हमें जनप्रतिनिधि होने के नाते अपराधियों को पुलिस से छुड़वाना पड़ता है। एक अपराधी भी अपराध करने के बाद अपने जनप्रतिनिधि से राहत की अपेक्षा करता है और हमको भी विवशता में पुलिस को फोन करना पड़ता है भाई इसने ऐसा कर दिया लेकिन इसको छोड़ दो। और हमारे फोनों के बीच, अलग अलग दलों के नेताओं के फोनों के बीच, विभिन्न समुदायों के दबाव में पुलिस प्रशासन को काम करना पड़ता है, उसके कारण एक तनाव की स्थिति उनके मन मस्तिष्क में बनी रहती है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जहां पुलिस लगातार अपराधियों पर कार्यवाही कर रही है, वहीं प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष इस तरह का बयान देकर अपराधियों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। निश्चित ही चौहान का यह बयान निंदनीय और पुलिस के मनोबल को तोड़ने वाला है। इस प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने इसे बेहद निंदनीय बताया है और ग्लोबल हेराल्ड के साथ फोन पर बात की है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरी रिपोर्ट। नंद कुमार चौहान जी के इस बयान से कांग्रेस को इसलिए आश्चर्य नहीं है कि ये वही नंद कुमार चौहान जी हैं जिनका बेटा मयूर हत्याकांड में आरोपी है 302 का, उसे राजनीतिक संरक्षण की वजह से ही उन्होंने बचाया है। ये वही नंद कुमार चौहान जी हैं जिनके एक बेटे ने अभी 6 माह पहले हरदा में पुलिस चेकिंग के दौरान एक महिला सब इंस्पेक्टर के साथ अभद्रता की थी, उनके साथ छेड़छाड़ की थी, वो मामला भी राजनीतिक आधार पर दबाया गया है। और इस दौर में माननीय चौहान साहब ने यह बयान जारी किया है, जिस दिन विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री जी ने जवाबदार अधिकारियों को तलब किया है, मानव अधिकार आयोग ने जवाबदार अधिकारियों को तलब किया है, उसी दिन अपराधियों को संरक्षण की बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं जो सांसद भी हैं, तो मुख्यमंत्री जी को खुद स्पष्ट करना चाहिए कि उनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान कितना सामयिक है। देखिए, नंद कुमार चौहान जी मध्य प्रदेश के राजनीतिक मूल्यों के लिए सरदर्द साबित हो चुके हैं, वो अपने बिगड़े बोलों के लिए पर्याय बन चुके हैं, तो अब सरकार को वो कितना और परेशान करेंगे उनसे पूछना चाहिए मुख्यमंत्री को।